बात अब यमुनानगर की, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा की शुरुआत की। दरअसल जगाधरी बस स्टैंड से 5 बसों को विधिवत रूप से पूजा अर्चना करने के बाद जनता को समर्पित किया गया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस दौरान बस में सफर भी किया। मूलचंद शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता राहुल सहजवानी ने। है इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत जो की गई है यमुनानगर की, अगर बात करें तो यमुनानगर में भी जो है 5 बसों को जो है परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने यहां पर जो है बसों की शुरुआत यहां पर की है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज बसों की शुरुआत यहां पर की गई है? मैं बसों की शुरुआत के प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूँगा। एक बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत हुई है और जो कि वर्षों से जिसकी कल्पना हम कर रहे थे, और भाई इलेक्ट्रिकल बस होंगी, इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर की तो सुनी थी पर इस तरह की बसों के बारे में कल्पना कम हुआ करती। आज धरातल पर उतारने का काम किया और लोगों के, हरियाणा के लोगों को आज चलाई। सर, बस में आपने सफ़र किया, कैसी सुविधा थी बस के अंदर और कितना मज़ा आया आपको? ये बसों की जो सुविधा जो लाभ है, इस तरह के अपने घर में ड्राइविंग में बैठ कर सफ़र करते हैं, बैठे रहते हैं, इतना बहुत बढ़िया हमने जो सफ़र किया, जिससे 10 की भी हमको नहीं लगी। और जिस तरह से बस में पूरे लोग थे, कैपेसिटी फालतू थे, तो मैं मानता हूँ कि जब बस में कैपेसिटी के साथ बैठेंगे 44 लोग और मजा आएगा। सर, कुछ लोग जो थे पिछली सरकारों में आरोप लगाते थे कि बसों की संख्या कम है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप उनको मैंने जब ही तो कहा, मैं उनसे आप बताना ना, आज हरियाणा में 62-63 बस अड्डे को मिला के जो आरोप प्रति आप लगाते, किलोमीटर स्कीम है, इलेक्ट्रिकल बस है, दूसरे ऑर्डनरी बस है, वॉलो बस है, एसी बस है, सारे मिला के मारे। जिले में और कहाँ कहाँ सर ये शुरुआत होने वाली? हरियाणा के जहाँ जहाँ से, हरियाणा के कोने से डिमांड होगी, हरियाणा के हर कोने में जैसे जैसे डिमांड आएगी, जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह से चलाने का काम करेंगे। धन्यवाद बात करने के लिए। तो एक जो शुरुआत है वो यहाँ पर की गई है यमुनानगर में, और ऐसे में जो लोकल सिटी बस सेवा जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। फिलहाल जो है मूलचंद शर्मा जी ने भी जो है बस के अंदर जो है सफ़र किया, और ऐसे में बहुत सुविधाजनक जो है ये बसें बनाई गई हैं, और फिलहाल जो है 7 दिन के लिए इन बसों को जो है फ्री किया गया है। यमुनानगर से कैमरामैन राजकुमार के साथ राहुल सजवानी, टोटल न्यूज़ यमुनानगर।